उत्तराखंड के जोशी मठ में सड़क से लेकर घरों तक जमीन धंसने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीते साल नवंबर में जमीन धंसने से घरों में दरारें आई थीं। अब यहां जमीन फाड़ कर जगह जगह से पानी निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जोशी मठ में जमीन धंसने से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नमस्ते, मैं ऋषभ हूँ और आप हैं मंच पर। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा जोशी मठ किसी बड़ी तबाही के संकेत दे रहा है। यहाँ मकान जमीन के साथ जिंदगी की डोर भी लगातार खिसकती जा रही है। बड़ी बड़ी दरारें यहाँ के लोगों को डरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जोशी मठ में कोई बड़ी तबाही आने वाली है। 10 साल पहले केदारनाथ की दैवीय त्रासदी देख चुके जोशी मठ में इस बार जमीन धंस रही है और जोशी मठ की हालत ऐसी हो चुकी है कि यहाँ जगह जगह जमीन फट रही है। सड़क, मकान, होटल की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं, जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पूरे जोशी मठ में कहीं जमीन से पानी फूट रहा है तो कहीं दरारों की वजह से घर झुक रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ यहाँ रहने वाले लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि कब उनके पैरों की जमीन खिसक जाएगी और जिस घर को बनाने के लिए उन्होंने सपने सजोए थे वो कब टूटकर जमीन के साथ गर्त में समा जाएंगे। बेबस से लोग केवल मजबूर हैं उस घर को टूटता देखने के लिए, जिसमें उन्होंने कई सपने और यादें जोड़कर रखी हैं। जोशी मठ के मारवाड़ी क्षेत्र में 4 दिसंबर से ही जमीन धंस रही है। इलाके के तमाम मकान खाली कराए गए हैं। अब तक 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, इसीलिए यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। जोशी मठ की तरफ बढ़ रहे खतरे को देखते हुए उत्तराखंड से जुड़े कुछ समाज सेवियों ने सरकार को जोशी मठ में रह रहे 20 से 25 हजार लोगों का इवैक्यूएशन कराने की सलाह दी है। उत्तराखंड में जोशी मठ की निरंतर होती हुई सिंकिंग यानी सब्सिडेंस या भू धंसाव को लेकर, क्योंकि गॉड फॉरबिड कहीं कल कोई इमरजेंसी आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो अपने आप में बड़े स्केरी हैं, बड़े कंसर्निंग हैं। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट को मास इवैक्यूएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, उसका कोई कैटेगराइजेशन करके ABC, जो ए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल मोस्ट डिस्ट्रेस्ड है, पहले उनके फेज में करा जाए, फिर बी और फिर सी। इस तरीके की किसी अप्रोच के साथ में मास इवैक्यूएशन इज द नीड ऑफ द आवर। जोशी मठ के लोग NTPC के सुरंग निर्माण और सड़क निर्माण के कामों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भी आपदा एक्ट लागू करते हुए यहां किसी भी तरह के निर्माण कार्यों पर अगले आदेशों तक फौरन रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने NTPC और SCC कंपनियों को एहतियातन 2-2 हजार पूर्व निर्मित मकान तैयार कराने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं जोशी मठ में एशिया की सबसे बड़ी रोपवे भी टूरिस्ट के लिए बंद कर दी गई है। जोशी मठ में जमीन धंसने और दरारों में से पानी रिसने की घटनाओं की वजह से लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में जोशी मठ बचाओ के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी गांधी मैदान में मौन धरना दिया है। दरअसल जोशी मठ भारत में भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके यानी जोन 5 में है। यहाँ भूस्खलन की समस्या काफी पहले से है, लेकिन बीते कुछ दिनों में यह समस्या तेजी से बढ़ी है। इससे पहले यहाँ कुछ ही मकानों में दरारें पड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन अब लगभग पूरे जोशी मठ के मकान संकट में हैं। 20 से 25 हजार की आबादी वाला जोशी मठ शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट की भेंट चढ़ रहा है। एक तरफ तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की NTPC की सुरंग ने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है, दूसरी तरफ बाईपास सड़क जोशी मठ की जड़ पर खुदाई करके पूरे शहर की बुनियाद को नीचे से हिला रही है। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार पुनीत ने। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।